हाय फ्रेंड्स uh, मैं हूँ रेनू और आप देख रहे हैं आलोदी डिज़ाइंस तो फ्रेंड्स ये मेरी डीआई वीडियो का डीआईवाई वीडियो का सेकंड पार्ट है जैसे फर्स्ट बार में मैंने आपको अपना बालकनी दिखाया था जो मैंने अपने डीआईवाई से सजाया था और ये सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं आपको अपने घर के अंदर की चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने डी से ही बनाई है जो मैं भी जितने भी डी बनाती हूँ सारे मैं घर पे यूज़ करती हूँ तो मैं आपको अभी एक के बाद एक दिखाती हूँ कि मैंने कैसे यूज़ किया आप अपने घर पे बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके कैसे आप डी बना सकते हैं तो मैं आपको एक ये दिखाना चाहूँगी सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोफा के जस्ट कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए जैसे मैंने पहले भी बोला था मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है मैं इंडोर प्लांट्स भी उतने ही रखना पसंद करती हूँ जितने आउटडोर सो आपको थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है बट बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स और ये पॉजिटिव वाइब्स के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं तो आप मैं तो सजेस्ट करूंगी आप भी अपने घर पे जरूर लगाएं तो फ्रेंड्स जैसे मैंने अपनी बालकनी में भी सारी चीज़ें कलरफुल रखी यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कलरफुल रखी जैसे ये दिखा सकती हूँ मैं मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ शॉप से नहीं खरीदी है लाइक जैसे प्लांटर है तो मैंने उन्हें कलर किया हुआ है और मुझे जो भी कलर कॉम्बिनेशन पसंद है मैंने उसके अकॉर्डिंग किया जैसे मैंने यहाँ पे ये मिट्टी का एक गाय है मैंने वो पेंट करके रखा हुआ है और साथ में यहाँ पे वो पुराने डिब्बे हैं जिसको मैंने एज अ प्लांटर यूज़ किया है और ये भी मेरे पास एक मिट्टी का पुराना बर्तन था जिसे मैंने यूज किया है और आप ये देख सकते हैं ये जो नीचे की जो आपको प्लेट्स दिख रही हैं वो भी मैंने पुराने डिब्बों के से ही बनाया हुआ है ताकि जब मैं मैं गमलों में पानी डालूं तो वो नीचे ना आए तो आप ये देख सकते हैं कि ये कॉर्नर कितना सुंदर लग रहा है और नाइट के टाइम में ये मैंने लैंप यहाँ पे रखा है मैं हमेशा इसे जलाती हूँ और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है मैं आपको पास से एक पूरा व्यू दिखाती हूँ आप ये देख सकते हैं ये कॉर्नर बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स देखने में और इस टाइप की चीजें आप अपने घर पे करें फ्री ऑफ कॉस्ट पुरानी चीजों को यूज करके और फिर मैं दिखाती हूं यहां ऊपर पे भी मैंने ये जो लकड़ी के जितने स्टैंड्स आप मेरे घर पे देखेंगे वो सारे भी खुद से मेरे बनाए हुए हैं अगर आप उनका भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा मैं जरूर उसका भी वीडियो बनाऊंगी यहाँ पर जितने घर मेरे घर पर जितनी चीजें लगी हैं लकड़ी से रिलेटेड वो सारी चीजें मैंने बनाई हैं सो so, यहां पे एक स्टैंड बनाया हुआ मैंने पुरानी लकड़ी का यूज करके और यहाँ पे मैंने एक पॉट रखा हुआ है और ये पुराने जो हमारे पूजा करने की चीजें होती है वो जो वेस्ट थी मैंने वो भी कलर करके यहाँ पे एज अ डेकोरेटिव आइटम रखा हुआ है और मैंने साथ में एक लैम्प रखा हुआ है और ये पुराने एक डिब्बे में एक प्लांट लगा के मैंने उसे कटोरी पे यहाँ पे प्लेस किया हुआ था आप देख सकते हैं बहुत सुंदर ये कॉर्नर हमारा रेडी है अब जैसे मैंने लास्ट बार ही आपको बताया था कि मैंने अपनी विंडो पे भी खूब सारे प्लांट्स रखे हैं अगर आपके घर में बच्चे हों तो आपके यहाँ तो इस टाइप के जो डिब्बे होते हैं जो इस टाइप के बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि उनके खिलौनों में ये सारी चीज़ें रहती है पुराने कप्स आप यूज कर सकते हैं या तो आपके पास मटकियाँ छोटी छोटी आप एज अ प्लांटर यूज कर सकते हैं तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने विंडो पे लगाई हुई है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स तो मैंने उन पे भी प्लांट्स लगाया हुआ है उसके बाद फिर मैंने सोफे के दूसरे साइड पे भी एक छोटा सा प्लांट रखा हुआ है दिखाती हूँ ये जो प्लांट है आ, मैंने नीचे एक डिब्बा रखा हुआ है ताकि वो पानी नीचे जाए और साइड साइड पे मैंने लैंप रखा हुआ है ये मैं बीच बीच में प्लांट्स चेंज करती रहती हूँ स्टैंड्स चेंज करती रहती हूँ क्योंकि जो भी इंडोर प्लांट्स हैं उनको धूप की भी बहुत जरूरत होती है तो मैं कभी कभी सेवन डेज में इन्हें धूप के लिए बाहर निकालती हूँ दूसरे प्लांट्स अंदर करती हूँ उसके बाद ये एक कॉर्नर है जिसे मैंने अपने ही डीआईवाई से सजाया है होप आपने ये वीडियो भी मेरा देखा हो नहीं देखा हो तो प्लीज आके जरूर देखिए मैंने मधुबनी पेंटिंग बनाई थी बस्तर आर्ट बनाया था तो फ्रेंड्स ये लकड़ी का फ्रेम बनाया है साथ में छोटे छोटे पेंटिंग बनाए मैंने और ये घर पे पुरानी जो चीजें पड़ी थी उस पर भी मैंने पेंट करके यहाँ पे एज अ डेकोरेटिव पीस मैंने इसे सजाया है उसके बाद ये दूसरी वॉल है इस पर भी मैंने अपने हाथ से बनाई हुई पेंटिंग लगाई है इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा Uh, इसे लिपन आर्ट बोलते हैं जो गुजरात में बहुत फेमस है और ये, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बना हुआ है क्योंकि मैंने पुरानी जो पेंटिंग थी उसके ऊपर बनाई हुई है तो इसमें कोई खर्चा नहीं आता हार्डली आपको 10 से 15 रुपए का ही खर्चा आएगा बहुत अच्छे से ये पेंटिंग बन के रेडी हो जाती है उसके बाद मैंने दूसरे कॉर्नर पे भी ऐसे ही लकड़ी से मैच करता हुआ ये और ये एक जैसा बनाया हुआ है और ये मैंने कॉर्नर कॉर्नर पे लगाया मैं आपको पास से व्यू दिखाती हूं फ्रेंड्स ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती नहीं है जनरली लोगों के घर पे इसलिए ऐसे थोड़ा यूनिक आप घर पे खुद से बना के चीजें लगाएं वो बहुत अच्छी होती है फिर मैंने यहाँ पे एक कॉर्नर डेकोरेट किया है यहाँ अगेन मैंने नर्सरी से कुछ प्लांट्स लाए हुए हैं उस और पॉट को भी मैंने कलर किया हुआ है अपने अकॉर्डिंग और ये आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक यहाँ प्लांट्स रखे हुए हैं एक कॉर्नर मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया है जो दूर से कुछ इस तरह लगता है साइड पे भी मैंने एक क्रोटन का पौधा लगाया हुआ है नीचे मैंने एक स्टूल रखी हुई है ऊपर मैंने एक आ, टोकरी रखी हुई है और मैंने क्रोटन के पौधे में नीचे डोरी लगाई हुई है क्योंकि वो खाली सा स्पेस था इसलिए मैंने उसको इस डोरी लगा दी ताकि वो देखने में बहुत अच्छा लगे कुछ पिस्ते के छिलके रखे हुए हैं मैंने उसके नीचे और एक दिया रखा हुआ है सो ये रात में ये कॉर्नर बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स ऐसे आप अपनी पुरानी चीजों को यूज कर करके अपने घर पे प्लांट्स लगा के बहुत अच्छे से अपने घर को सजा सकते हैं उसके बाद मैं ऊपर दिखाती हूं यहाँ पे एक और पेंटिंग मैंने बना के लगाई हुई है इसे फ्रेंड्स बस्तर आर्ट बोलते हैं इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है आप जरूर जाके देखिएगा ये और ये पेंटिंग दोनों आपको हार्डली टेन फिफ्टीन रूपीज में बनके रेडी हो जाती है तो इसमें हमें कोई भी खर्चा नहीं आता अगर आप मार्केट से खरीदेंगे तो बहुत महंगे आते हैं ऐसे पेंटिंग तो प्लीज आप घर पे बनाएं और अपना घर डेकोरेट करें फिर मैंने यहाँ पे एक स्टैंड लगाया है उसमें पुराने एक डिब्बे में कलर करके यहाँ पे मैंने मनी प्लांट लगाया है और रेफ्रेंड्स ये आर्टिफिशियल नहीं है ये नेचुरल है और अगर आपको इसका भी वीडियो देखना है तो प्लीज बताइएगा कि घर पे आप इंडोर प्लांट्स को कैसे अच्छे से रख सकते हैं उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सोफे के दूसरे साइड पे मैंने कॉर्नर पे यहाँ पे अगेन यहाँ मनी प्लांट रखा है आप ये देख सकते हैं ये बहुत सुंदर लग रहा है ये पुरानी मटकी थी जिसे मैंने कलर किया हुआ है नीचे एक टोकरी रखी है उसे भी मैंने कलर किया हुआ है जो मेरे घर के कलर कॉम्बिनेशन से मैच करता है और मैंने बीच में एक लकड़ी डाली हुई है जिसे भी कलर किया हुआ है और मनी प्लांट्स के पौधे लगाए हुए हैं नीचे एक वो गाय रखी हुई जो मैंने पहले भी रखी थी सो ये मेरा कॉर्नर ये भी बन के रेडी हो गया है बहुत सुंदर सा आप ऐसे घर पे छोटी छोटी चीजों से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं जो बहुत अच्छा लगता है देखने में मैंने यहाँ पे सेंटर टेबल पे बैम्बू के प्लांट्स भी रखे हैं एक प्लेट रखी है उसके ऊपर मैंने कुछ स्टोन्स डाल दिए हैं फिर एक कटोरी के ऊपर बैम्बू प्लांट रखा हुआ है तो ऐसे भी ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेटिंग अरेंजमेंट किया है जो नीचे एक कॉर्नर पे है और उसके साइड पे भी मैंने कुछ प्लांट्स लगाए और आ, कुछ दिए रखे हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं मैं इसको भी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे पास फिश पॉट आती है मैंने वो फिश पॉट लिया हुआ है आप देख सकते हैं उसके अंदर मैंने ये लोटस वाले लैम्प लगाए हुए हैं और नीचे टोकरी रखी हुई है जिसे भी मैंने कलर किया हुआ है फ्रेंड्स ऐसे आप एक छोटा सा कॉर्नर भी बहुत अच्छे से सजा सकते हैं जो पर्दे के साइड थोड़ी सी जगह थी मैंने वहां पे ये यूज किया स्पेस क्योंकि मुझे सारी तरफ प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं सो मैंने ऐसा किया है अभी मैं आपको एक और वॉल दिखाती हूँ फ्रेंड्स इस पे भी मैंने अलग अलग टाइप के प्लांट्स लगाए हैं आप ये देख सकते हैं और मेरे पास एक पुरानी शंख पड़ी हुई थी उसको भी मैंने कलर करके एज अ डेकोरेटिव पीस यूज किया है तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप यूज़ करके घर पे बहुत अच्छे से अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं और फ्रेंड्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं मैं धीरे धीरे आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने रूम आई I मीन mean, मेरा जो रूम है मैं उसका व्यू दिखाऊंगी कि उस पर मैंने कैसे चीज़ें सजाई हैं सो so, होप आपको वीडियो पसंद आया हो